कैसा भालक, देख अपन खुश और नाराज दोनों है। खुश इसलिए आया कि अपन का 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो गया, नाराज इसलिए आया कि अपन को तुम लोग इंस्टाग्राम पर सपोर्ट नहीं कर रहा है। जस्ट देन अपन का 10,000 फॉलोअर हुए, अपन खुद को रोस्ट कर लेगा, तो जाओ वहाँ पर फॉलो करो क्योंकि वहाँ पर भी तेरे को मस्त माल मिलने वाला है। अब देखो टिकटॉक बैन हुए ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुके हैं और ऐसे में बैन को लेकर कुछ लोग बड़े खुश हैं, तो वहीं पर कुछ लोग तो भाई रो रहे हैं। और कुछ लोग तो ऐसे जो अंदर से रो रहे हैं लेकिन बाहर से ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ना, बैन तो 59 चाइनीज ऐप हुए हैं लेकिन 99% जनता को अदर 58 ऐप से घंटा फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क पड़ता है सिर्फ टिकटॉक से। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अब देखो टिकटॉक बैन होने के बाद बहुत से टिकटॉकर्स के रिएक्शन आया है, जैसे कि क्यूटी ब्यूटी खान, टिकटॉक जल्दी से आ जाओ, नहीं आएगा क्या टिकटॉक कभी नहीं। और एक टिकटॉक ने भी तो ऐसे रो रही है जैसे किसी छोटे बच्चे की चॉकलेट छिन गई हो। मौसम सुहाना हुआ, रेन हो गया, इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। इंडिया से टिकटॉक तो जा रहा है ना, जाए मैं नहीं रोऊंगी, पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकट मित्रो पता नहीं कौन से कितरो एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी, बाय। अब एक बंदा है जो टिकटॉक यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर वेरीफाइड है, नहीं मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये तो टट्टी है, मैं बात कर रहा हूँ आवेज दरबार की। तो रिसेंटली आवेज दरबार से किसी ने पूछा कि आप टिकटॉक बैन पे कुछ बोलना चाहोगे, तो आवेज दरबार ने रिप्लाई दिया कि भाई टिकटॉक बैन हुआ है, मैं और मेरी क्रिएटिविटी नहीं। अच्छा अब मेरे को बताओ, नहीं मेरे को बताओ कि चोरी करना कब से क्रिएटिविटी का पार्ट हो गया। वैसे अच्छा भाई कि टिकटॉक बैन हो गया क्योंकि इन लोगों ने चोरी करके ही तो टिकटॉक में मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स गेन किए थे। अगर यकीन नहीं होता तो भाई ये वीडियो देखो। The top 3 most deadliest animals in the world. Number 3, the golden dart frog. This little bastard. Number 2, the bloody hippo. Hippos are responsible for 500 deaths a year. And at number 1, my ex-girlfriend. Hey guys, आज मैं आपको 3 डेडली एनिमल्स के बारे में बताने वाला हूँ। पहला है गोल्डन डार्ट फ्रॉग, वो इतना पॉइजनस है कि अगर उसका जहर आपके अंदर चला गया ना आप ऐसे करके मर सकते हो। दूसरा है हिप्पोपोटामस, पता नहीं उसका क्या प्रॉब्लम है ह्यूमंस के साथ में, जब भी उनको देखता है उन्हें मार देता है, और उसका जॉ इतना स्ट्रांग है एक बाइट में आप गॉन। और लास्ट और सबसे डेंजरस एनिमल है गर्लफ्रेंड, वो नहीं आपको मरने देगी, नहीं आपको जीने देगी, आप हर एक दिन घुट घुट के जियोगे। वैसे मुझे गुस्सा उन यूट्यूबर्स पे आ रहा है जो टिकटॉक बैन होने के बाद यूट्यूब पे ये वीडियो बना रहे हैं कि टिकटॉक बैन होने के बाद टिकटॉक को यूज कैसे करें। भाई जहां पर भी ऐसे वीडियो दिखे सीधा जाकर रिपोर्ट कर देना, क्योंकि लाइक डिसलाइक और कमेंट का ऑप्शन तो इन्होंने डिसेबल कर रखा है। साथ ही में कुछ वेरीफाइड टिकटॉकर्स टिकटॉक बैन होने के बाद भी टिकटॉक पे इलीगली वीडियो अपलोड कर रहे हैं ताकि वो अदर कंट्रीज लाइक पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश यहाँ के लोगों को अपने वीडियोज दिखा सके। नहीं तुम सोचो, नहीं तुम सोचो कि मोदी जी को अगर इसके बारे में पता चल गया तो उनका क्या रिएक्शन होगा। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। साथ में ये नमूने तो अलग ही है, पेटीएम ओला जोमेटो स्विगी फ्लिपकार्ट ओयो जैसी बड़ी कंपनी को रियाद बख्शी है। अबे यार ओयो इंडियन कंपनी है, और एजाज भाई कुछ भी करने का, ओयो के बारे में कुछ नहीं बोलने का, मतलब घर बसते हैं यार वहाँ पर। चाइनीज कंपनियों से बहुत सारा डोनेशन आया है कोरोना के नाम पे, टिकटॉक ने भी कुछ 200-250 करोड़ रुपए दिया है। क्या 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 200-250 करोड़, अरे एजाज भाई 30 करोड़ डोनेट किए, नहीं मतलब कौन सा माल फूकते हो। ओ सॉरी सॉरी, इनका तो गंजा हीरोइन का बिजनेस है, गंजा हीरोइन का। ये जितने भी लोग हैं सिंगर्स एक्टर्स ये सब अब बेरोजगार हो जाएंगे। अरे एजाज भाई सबका नसीब आपकी तरह नहीं होता, टिकटॉक गया तो मार्केट में और भी अच्छे ऐप्स अवेलेबल है, और उन्हीं में से 2 कमाल के
शुद्ध देसी इंडियन ऐप्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहली ऐप है रियो। रियो एक लाइव स्ट्रीमिंग गेमिंग ऐप है। मेरे भाई अगर तुम्हें पबजी खेलना या फिर लाइव स्ट्रीमिंग देखना पसंद है तो तुम्हें ये ऐप बहुत पसंद आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देश के बेस्ट स्ट्रीमर्स एंटरटेनिंग वे में स्ट्रीम करते हैं। साथ ही में तुम कस्टम रूम में पार्टिसिपेट करके रियो कॉइन अर्न कर सकते हो और उस रियो कॉइन को तुम पबजी में यूसी में कन्वर्ट भी कर सकते हो। दूसरी ऐप है ट्रेल। ट्रेल एक लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग ऐप है जहाँ पर तुम अपने लैंग्वेज में डिफरेंट कैटेगरीज लाइक कुकिंग, लाइफस्टाइल, फैशन, टेक, ब्यूटी और भी डिफरेंट कैटेगरीज के वीडियो देख और क्रिएट कर सकते हो और बहुत ही जल्द ग्रो कर सकते हो। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई ये ऐप काफी तेजी से ग्रो कर रहा है और बहुत ही जल्द इसमें टॉक शो होस्ट करने का फीचर भी आने वाला है। तो दोनों ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भाई चाइनीज ऐप को सपोर्ट करने से अच्छा है इंडियन ऐप को सपोर्ट करो। अब देखो चाइनीज ऐप इंडिया में बैन हुआ है तो नहीं पता पाकिस्तान के कुछ नमूने और पाकिस्तान मीडिया को इससे क्या प्रॉब्लम है। एक तो पाकिस्तान के न्यूज चैनल का अलग ही रोना है, वैसे इन्हें पता है कि इनके न्यूज तो कोई देखता नहीं है इसीलिए अनाप शनाप बक के अटेंशन ग्रैब करते हैं। साथ जनाब ये आया कि इन्होंने कोई 59 चाइना की मोबाइल कंपनियां जो थी, ये जो व्हाट्सएप बनाती है, क्या 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 व्हाट्सएप चाइना का है माग भाई। कि इन्हीं चाइनीज कंपनियों ने अभी दो रोज पहले मोदी साहब का जो फंड है वजीर आजम का, उसमें इन चीनी कंपनियों ने फंड डाला है। क्या क्या दो दिन पहले डोनेट किया था, मई जून? अरे चाचा 2 महीने हो चुके हैं डोनेट किए हुए, कहां से इन्फॉर्मेशन लाते हो और कौन सा गांजा फूकते हो मेरे को भी बताओ। मुझे भी वो गांजा चाहिए जिस ब्रांड का माल ये फूकते। यानी मोदी जो है वो जिन चीनी टिकटॉक से पैसा ले रहे हैं। अरे यार इनको कोई बताओ कि पैसे मांगने और डोनेट करने में फर्क होता है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? उनसे पैसे लेके ये अजीब, मतलब अब मुझे नहीं पता कि हरामखोर को हरामखोर का तो नहीं पता लेकिन गधे को इंग्लिश में डोंकी बोलते हैं। और चाचा आपकी नॉलेज से क्लियरली पता चल रहा है कि आप गधे हो। वैसे भी सुनने में आया कि पाकिस्तान में बहुत से गधे के हॉस्पिटल है। गधों को बीमारी से महफूज रखने के लिए पंजाब हुकूमत ने अलग से डोंकी अस्पताल भी बना दिया है। इंडिया ने चाइना की 59 ऐप्स को बैन कर दिया है जिसमें से एक टिकटॉक है। वेट अ मिनट, ये वही है ना जो हिंदुस्तानी भाव से हमेशा गाली खाते रहता है, अभी तक नहीं सुधरा। और ये पाकिस्तान में कौन सी प्रथा है अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने की, हर किसी को देखो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा रहा है जबकि इनके असली डॉक्टर की डिग्री बाहर कंट्री वाले रद्द कर देते हैं। सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक ने पाकिस्तान की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम MS मास्टर्स ऑफ सर्जरी और MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन को मुस्तरद कर दिया है। इस फैसले से कई काबिल डॉक्टर्स बेरोजगार हो गए हैं जिन्हें पाकिस्तान वापसी के लिए तैयार रहने का कह दिया गया। और क्या बोल रहा था, तो यानी कि अगर आपने 59 ऐप्स को बैन किया तो फर्क किसको पड़ा, 59 लोगों को? नहीं नहीं, इसके हिसाब से अगर फेसबुक बंद हुआ तो लॉस सिर्फ मार्क जुकरबर्ग को होगा, एप्पल बंद हुआ तो लॉस सिर्फ स्टीव वोजनियाक को होगा। मतलब कुछ भी नहीं नहीं, चाइना के सपोर्ट में ये वीडियो बनाएंगे ही, चाइना जीजा जो ठहरा इनका। पाकिस्तान से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी लड़कियों की चीनी बाशिंदों से शादियां हो रही हैं और ये शादियां किसी दूर दराज के इलाकों में नहीं हो रही है, तमाम अथॉरिटीज की नाक के नीचे बड़े बड़े शहरों में हो रही थी और इन शादियों में चीनी बाशिंदे खुद को मुसलमान जाहिर करके रिश्ता भेजते थे और शादियां करके लड़कियों को अपने साथ चीन ले जाते थे। चीन ले जाने के बाद ये लोग पाकिस्तानी लड़कियों से जिस्म फरोशी के धंधे कराते थे। चलो छोड़ो यार, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, रुको जरा सबर करो यार, टिकटॉक के लिए एक श्रद्धांजलि तो बनती है ना, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब बटन को यूट्यूब के लाल रंग से टिकटॉक के काले रंग में चेंज कर दो और गुलाबी रंग के इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। तो चलो यार